तो वहीं कन्नौज में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 अगस्त क्रांति दिवस पर जनपद कन्नौज की तिरवा तहसील के गांव जहुआ में सभी को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि गांव के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र ध्वज लगाना चाहिए। तिरंगा अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी आरोप लगाए। एसपी 9 से 15 अगस्त तक हर घर फेरे राष्ट्र ध्वज तिरंगा अभियान की शुरुआत करें, जिसकी शुरुआत कन्नौज से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से की गई। गाँव में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मिलने के लिए आप पहुंचे होंगे, तो हो सकता है जब वापस आप जाएं तो कमर का दर्द हो आपको। एक्सप्रेस वे तो आपने देख लिया, बिल्कुल कहीं गड्ढा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप जब इस स्वतंत्रता सेनानियों के गांव में आए होंगे तो एक मीटर भी आप ऐसा नहीं चल पाए होंगे जहां पर आपको गड्ढा न मिला हो। तो हर घर तिरंगा अभियान पर मायावती की अपील, लोगों को घरों में तिरंगा जरूर लगाना चाहिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान पर। अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भी अपील सामने आई है, लोगों को घरों में तिरंगा लगाने की राहत उन्होंने दी है। तो हर भारतवासी तिरंगे का दिल से सम्मान करता है, तो मायावती ने ट्वीट कर ये अपील की है। भारतीय तिरंगा झंडा सभी को देश की आन और शान की याद दिलाता और हर मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी की अनिवार्यता के कारण चाहे वो उसका प्रदर्शन नहीं कर पाता हो, परंतु वो राष्ट्रीय झंडे का हमेशा दिल से जरूर सम्मान करता हो। और अब जब पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो इस खास मौके पर सभी देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाकर उन्हें अपनी खुशी जरूर प्रदर्शित करनी चाहिए। बीएसपी की ये अपील है। तो ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके अपील की है।